जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज सी क्लास 200 आई हुई है। इसका फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। इसका जब हम गाड़ी फ्रेंड स्टार्ट करते हैं तो इंजन पूरा वाइब्रेट करता है और इसके मीटर पे चेक लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करता है, तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो अंसारी जी इसे स्टार्ट कीजिए। ये देख सकते हैं ये गाड़ी हमने स्टार्ट किया है। ये देख सकते फ्रेंड, ये देखिए गाड़ी हमारा कैसे हिल रहा है, मिसिंग कर रहा फ्रेंड। देखिए रुक रुक के जर्क कर रहा है। परेश कीजिए, छोड़िए। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मीटर पे देखिए चेक लाइट, और इसका देखिए आरपीएम स्लो फास्ट हो रहा है, देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए इंजन जर कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि हमारा चेक लाइट क्यों आ रहा है, कोई सेंसर मिसिंग है कि कोई वायर कट है, क्योंकि आरपीएम अपने आप स्लो फास्ट होता है और इंजन जर्किंग करता है। तो सबसे पहले तो हम आपको स्कैनिंग करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट है, रेस कीजिए थोड़ा। ये देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम सबसे पहले आप इसको स्कैनिंग करते हैं और फिर स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम इसका स्कैनिंग कर रहे हैं। ये हमारा चेक लाइट देख सकते हैं अभी भी कंटिन्यू मीटर पे है, तो हम इसका स्कैनिंग करके आपको बताएंगे। देख सकते हैं हमने गाड़ी चालू रखा है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि इसका हमने स्कैनिंग किया है मर्सिडीज का, तो इसमें फ्रेंड इग्निशन कॉइल का फोल्ड आ रहा था, जो प्लग के ऊपर कॉइल लगता है। तो हमारा फ्रेंड चारों कॉइल का प्रॉब्लम बता रहा था स्कैनिंग में, तो हमने इसको क्लियर किया है। क्लियर करके हमने क्लियर किया तो इसका चेक लाइट ऑटोमेटिक चला गया क्लियर करने से। तो हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव लेके हमको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा कि फिर से कौन सा कॉइल का आ रहा है, क्योंकि इसमें चार इग्निशन कॉइल आते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। तो चारों में से फ्रेंड कोई एक कॉइल खराब रहेगा, इसके लिए हमें वो फोल्ड कोड आ रहा था। तो जब तक हम इसको रनिंग करके दोबारा चेक लाइट नहीं जाता था, तब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, अभी तक तो हमारा चेक लाइट नहीं आया मीटर पे। थोड़ा और चलाकर देखेंगे रनिंग करने के बाद फिर से हमारा चेक लाइट आता है क्या। अगर चेक लाइट आएगा तो फिर से हम एक बार स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि क्या फोल्ड कोड आता है करके। देख सकते हैं आप लोग मीटर पे कोई भी चेक लाइट नहीं है। तो हम इस गाड़ी को अब एक दिन अपने गैरेज पे ही रखेंगे और इसको एक दिन फुल रनिंग करेंगे। रनिंग करके जब तक हमारा दोबारा चेक लाइट नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको रनिंग करेंगे, क्योंकि हमारा दोबारा चेक लाइट आने के बाद ही हमको पता चलेगा कि हमारा फिर से फोल्ड कोड में क्या आ रहा है। अभी तो हमारा देख सकते हैं चेक लाइट ऑलरेडी चला गया है, अभी चेक लाइट नहीं आ रहा है मीटर पे। तो हम इसे थोड़ा रनिंग करेंगे, रनिंग करके देखते हैं दोबारा हमारा चेक लाइट आता है क्या। दोबारा जब चेक लाइट आएगा तो फिर से हम इसको स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करके फिर चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आता है करके। देख सकते हैं हम इसका रनिंग कर रहे हैं गाड़ी का। ठीक है फ्रेंड, तो दोबारा जब इसका चेक लाइट आता है तो फिर से हम आपको बदी दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमने इसका टेस्ट ड्राइव ले किया है, ठीक है, हमने इसका फोल्ड कोड क्लियर किया था, फिर से हम इसको रनिंग किए। रनिंग करने का फिर से देख सकते हैं हमने गाड़ी चालू किया, फिर से इसका चेक लाइट मीटर पे आ रहा है। तो फिर से हम इसका स्कैनिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये देख सकते हैं फिर से हम इसका स्कैनिंग कर रहे हैं, फिर से स्कैनिंग करके चेक करते हैं कि क्या फोल्ड कोड आ रहा है। राइट फोल्ड कोड में जाएंगे फ्रेंड, तो देख सकते हैं बेस फ्रेंड इसका फोल्ड कोड क्या है, द इनटेक
मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर हैज अ शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, देयर इज अ शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मैनिफोल्ड में जो सेंसर आता है प्रेशर सेंसर, उसका फुल कोड आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम उसका सेंसर का वायर वायर चेक करेंगे कि कोई वायर वायर तो नहीं कटा है। तो हम आपको दिखाते हैं इसका मैनिफोल्ड का सेंसर कहाँ पे आता है। इनटेक मैनिफोल्ड में आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका हम फुल कोड क्लियर करेंगे, देखते क्लियर होता है क्या। अगर क्लियर होएगा तो फ्रेंड समझ लीजिए हमारा सेंसर का प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं क्लियर होगा तो समझ लीजिए हमारा वायरिंग कहीं मिसिंग है, कहीं कटा उटा हुआ है। देखिए फ्रेंड, एरर कोड फेल्ड करके आ रहा है, मतलब हमारा फुल कोड क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो हम इनटेक मैनिफोल्ड का पहले तो जो सेंसर आता है उसका वायरिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाड़ी बंद करते हैं। ये हम चाबी बाहर निकाल लेते हैं और सबसे पहले उसको चेक करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका सेंसर है जो हमारा फुल कोड आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका वायरिंग चेक करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा वायरिंग यहाँ पे कटा हुआ है। ये देख सकते हैं ये कहाँ पे आता है, हम आपको इसको सॉकेट ओपन करके दिखाते हैं। इसका वायरिंग कटा हुआ है फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लगता है ये पॉइंट पे। हम इसको बाहर आपको निकाल के दिखाते हैं। ये इसका इनटेक मैनिफोल्ड सेंसर है ये वाला, इसका वायर हमने आपको बताया था कि यहाँ से कटा हुआ है। तो हम इस सॉकेट को ओपन करेंगे, सॉकेट देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से वायर कट चुका है, ये जो आप वाइट कलर का वायर देख रहे हैं, हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए ये वायर यहाँ पे जॉइंट होगा, ये जो वायर है। ठीक है फ्रेंड, ये वाला वायर, इस वायर को हम ये सॉकेट बाहर निकाल करके इसमें अच्छे से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके फिर ये सॉकेट लगाते हैं और सॉकेट लगा के फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारा चेक लाइट जो मीटर पे आ रहा है और हमारा गाड़ी जो जर्क कर रहा है क्या है फ्रेंड, इसके वजह से हमारा गाड़ी जर्किंग कर रहा है, पूरा मिस फायर कर रहा है। ये वायर हम जब इसमें ज्वाइन कर देंगे तो हमारा जो जर्किंग है सॉल्व हो जाएगा और हमारा चेक लाइट भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हम आपको ये वायर इसमें ज्वाइन करके फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका वायरिंग ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारा वायर वाइट वाला जो कलर का वायर दिख रहा है वो कटा हुआ था। देख सकते हैं हमने ये वायर को ज्वाइन करके ले लिया है, ये वाला वायर हमारा कटा हुआ था तो हमने इसमें एक्स्ट्रा वायर दिया है। ठीक है, अब इसको टेपिंग करेंगे, टेपिंग करके फिर सॉकेट सेंसर में सॉकेट लगाकर फिर एक टेस्ट ड्राइव लेंगे। बंद कर दीजिए। तो फाइनली फ्रेंड हमारा ये हमने टेपिंग वेपिंग कर दिया, सेंसर भी का सॉकेट भी लगा दिया। अब इसका हम टेस्ट ड्राइव लेंगे।
सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट करके इसका फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे, देखते हैं ऑटोमेटिक चला जाता है क्या, नहीं जाएगा तो एक बार फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करने से नहीं गया है, देख सकते फॉल्ट, तो हम एक बार स्कैनर से इसको फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे। देख सकते फ्रेंड हमने इसका फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया है, अब कोई फॉल्ट कोड नहीं है, तो हम फिर से इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा चेक लाइट चला गया है, तो अब हम इसको टेस्ट ड्राइव लेंगे और टेस्ट ड्राइव लेके फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, अभी हमारे मीटर पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा है और अब आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फॉल्ट था वो हमने आपको दिखाया था, हमारा वायर कटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट है, हमने गाड़ी रनिंग भी कर लिया है, हमारे मीटर पे कोई लाइट भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। फिर से चाहिए तो हम आपको बंद करके एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए फिर से हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, तो हमारा जो चेक लाइट मीटर पे कंटिन्यू आ रहा था वो भी चला गया है, और जो हमारा गाड़ी जर करता था चलते समय पूरा मिसिंग करता था वो भी बंद हो गया है। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने इसका स्कैनिंग किया था, इस स्कैनिंग में इंटेक मैनिफोल्ड सेंसर का फॉल्ट आ रहा था, तो हमने उसको चेक किया तो हमें उसका वायर एक कटा हुआ मिला, तो हमने उस वायर को ज्वाइनिंग कर दिया है। ठीक है, वायर को ज्वाइनिंग करने के बाद हमने इसको फिर से स्कैनिंग करके क्लियर फोल्ड किया है, और क्लियर फोल्ड करके हमने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है, तो अभी तक हमारा चेक लाइट आया नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इससे पहले हमने जब स्कैनिंग करके क्लियर किया था तो हमने 1 किलोमीटर रनिंग किया, 1 से 1.5 किलोमीटर, तो इसका चेक लाइट फिर से आ गया है, लेकिन अभी हमें उस समय में फिर फ्रेंड कोई फॉल्ट नहीं मिला था, हमने सिर्फ स्कैनिंग करके क्लियर करके एक बार टेस्ट ड्राइव लिया था। तो अभी जब हमने दोबारा चेक लाइट आया तो फिर हमने एक बार स्कैनिंग किया तो हमें वो इंटेक मैनिफोल्ड सेंसर का फॉल्ट कोड आया, पहले वो फॉल्ट कोड नहीं आया था। दोबारा जब हमने फिर से इसको रनिंग किया, रनिंग करने के बाद फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था, तो हमने सब वायर को खींच के थोड़ा चेक किया, तो जाके हमारा इंजन थोड़ा मिसिंग करके बंद पड़ गया, तो फिर से हमने स्कैनिंग किया, तो स्कैनिंग में हमको इंटेक मैनिफोल्ड सेंसर का फॉल्ट कोड आया, क्योंकि उसका वायर कैसा था थोड़ा सा हल्का सा पकड़ा हुआ था, इसके लिए हमें पहले स्कैनिंग में उसका फॉल्ट नहीं आया, जब हमने थोड़ा थोड़ा वायर सब सारे वायरों को खींच खींच के देखा तो लगता है जॉइंट से छोड़ दिया, तो गाड़ी मिसिंग होकर बंद हो गया, तो फिर से हमने स्कैनिंग किया तो हमें उसका फॉल्ट कोड आया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मेन फॉल्ट कोड क्या था, इंटेक मैनिफोल्ड सेंसर का वायर कटा हुआ था, इसके लिए गाड़ी में चेक लाइट आ रहा था और मिसिंग कर रहा था। तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है, अब हमें गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं।